नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जैसा कि टेस्ट पेपर टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया था और उसके आंसर की बात थी, तो हम पूरा पेपर जो है वो यहीं बोर्ड पर हल कर लेते हैं ताकि उससे जुड़े हुए भी कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा कर सकें। ठीक है, तो जैसा कि आपका हिंदी व्याकरण टेस्ट सीरीज 2 लिखा हुआ पेपर है, जिसमें 65 क्वेश्चन थे। फर्स्ट जो प्रश्न है उसमें है प्रविशेषण बताते हैं, विशेषण का भेद, विशेषणों का भाव, विशेषणों की विशेषता या विशेषणों को। तो चूंकि हमें पता है कि प्रविशेषण क्या बताते हैं, विशेषणों की विशेषता बताते हैं। सेकंड प्रश्न है, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, इस वाक्य में विशेषण क्या है। तो निश्चित रूप से हमें पता है कि पतलून जो है वो संज्ञा है यानी विशेष्य है, और विशेष्य की विशेषता बताने वाला शब्द जो है काली, तो ये यहाँ पर क्या होगा, विशेषण होगा। तो इसमें अर राइट है। पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा, तो पुस्तक से देखो पुस्तकालय, पुस्तकालय तो खुद एक संज्ञा हो गई, पुस्तकें ये तो बहुवचन हो गया, पुस्तकों ये भी एक तरह से बहुवचन कह सकते हैं, पुस्तकीय ज्ञान। मैंने आपको बताया था, एक तरीका बताया था कि कभी भी किसी शब्द के बारे में अगर ये पता करना हो कि वो शब्द कौन सा संज्ञा है और कौन सा विशेषण है, तो उसके आगे क्या लगा लो, कोई संज्ञा लगा लो वापस उससे मिलती जुलती, जिससे पता लग जाए। अगर सेट हो जाए तो विशेषण है, सेट नहीं हो रहा इसका मतलब दोनों संज्ञा। जहर सांप सेट नहीं हो रहा, जहरीला सांप इसका मतलब जहरीला तो है विशेषण, और जहर सांप यानी दोनों ही क्या हो गई, संज्ञा हो गई। तो ठीक ऐसे ही अगर हम पुस्तक की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो देखिए जैसे पुस्तक शब्द है ना, पुस्तक, और एक मिनट लिख दिया पुस्तकीय, दो शब्द है। अब आप यही लगा लो शब्द, एक संज्ञा लगा लो आगे ज्ञान, तो अब देखिए पुस्तक ज्ञान सेट नहीं बैठता क्योंकि दोनों संज्ञाएं आ गई। लेकिन अगर पुस्तकीय ज्ञान, इसका मतलब ज्ञान की क्या विशेषता है, वो कैसा ज्ञान है, वो पुस्तकीय ज्ञान है, तो यहाँ पर कौन सी क्या हो जाएगा, विशेषण पुस्तकीय। उसके बाद है संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है, तो देखिए ऐसे चारों विशेषण है किंतु संज्ञा से नहीं बना हुआ है। तो सबसे पहले लिखित किससे बना है, लिखना क्रिया लिख धातु है, और लिख से क्या बना, लिखित बना, तो इसका मतलब लिख तो धातु है, इसका मतलब इसमें संज्ञा नहीं है। दयालु में दया संज्ञा है, सड़क छाप में सड़क संज्ञा है, और भूखा में भूख क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो ये तीनों संज्ञा से बने हुए, लिखित जो है संज्ञा से नहीं बना हुआ है। इसके बाद है भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण, भाववाचक संज्ञा से निर्मित, तो भाववाचक संज्ञा आपको पता है क्या होती है, तो चलता तो आपको पता है क्लियर है ही नहीं, रंग ये भी नहीं है, ऊंचा ये भी नहीं है, प्यार भाववाचक संज्ञा है, और प्यार से प्यारा विशेषण। गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, इसमें सीधी सी बात है, सबसे पहले देखिए इसमें विशेष्य क्या है, विशेष्य है दूध, ठीक है, और दूध की क्या विशेषता है, गर्म। अब ये क्या है, गर्म कैसी विशेषता है, विशेषण गुणवाचक, उस दूध का गुण क्या है, वो फिलहाल गर्म है, तो ये कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। क्यों, सार्वनामिक विशेषण अलग होता है, वे सर्वनाम जो संज्ञा के ठीक आगे प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं ना, परिमाणवाचक अलग होता है, संख्यावाचक अलग होता है। राम बाजार से 4 किलो आटा लाया में कौन सा विशेषण है, सीधी सी बात है संज्ञा क्या है, आटा, और आटे की क्या विशेषता है, 4 किलो। सीधा आपको ये देखना है कि हाँ इसका मतलब गुणवाचक तो है नहीं, अब ये कौन सा है, परिमाण या संख्या, तो संख्या काउंट नहीं हो रही, इसका मतलब संख्या नहीं परिमाण है, परिमाण में निश्चित है या अनिश्चित है, तो आप देखो 4 किलो क्या निश्चित मात्रा है या अनिश्चित मात्रा है, तो हमें क्लियर पता चलता है कि ये एक निश्चित मात्रा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक। ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है में किस शब्द में विशेषण है, ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है विशेषण, तो व्यक्ति व्यक्ति की विशेषता क्या है, ईमानदार कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा, बहुत आराम से, और जहाँ जिस प्रश्न में ज़्यादा समय की आवश्यकता होगी वहीं समय लूँगा, और बाकी एक एक प्रश्न को क्लियर कर लेते हैं। बिहारी ने सत्सई लिखी, सत्सई शब्द में कौन सा विशेषण है, बिल्कुल आपको पता होगा कि जो विशेषण है कौन सा, संख्यावाचक, संख्यावाचक में कौन सा, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक के भी 7-8 प्रकार आपको बताए हुए हैं, उनमें से एक जैसे पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या है ना, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, तो उसी प्रकार सत्सई, सैकड़ा, ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं सत्सई, सैकड़ा, शतक, वो सारे कौन से होते हैं, समुच्चय बोधक, कौन से होते हैं, समुच्चय, उसमें क्रम बोधक नहीं होता है, उसमें समुच्चय बोधक होता है। समुदाय वो तो दोनों के दोनों है ना, वैसे हो जाएंगे, आवृत्ति होती है दुगुना तिगुना चौगुना, वो आवृत्ति सूचक हो जाते हैं, तो इसमें होता है समुच्चय बोधक। मानव शब्द से विशेषण बनेगा, सेम वही तरीका,
आप देखिए मनुष्य बिल्कुल नहीं है संज्ञा है, मानवता ये तो भाववाचक संज्ञा है, मानवीकरण बिल्कुल नहीं है, मानवीय मानवीय शब्द क्या है। और वैसे भी देखो मैंने आपको जब विशेषण बताए तो बताए थे एक प्रत्यय, ठीक है, इत प्रत्यय, ऐसे कुछ प्रत्यय लग जाते हैं तो निश्चित रूप से वहां पे क्या होती है विशेषण ही होते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए, भलाई संज्ञा है, मिठास संज्ञा है, स्वयं नहीं है, थोड़ा थोड़ा क्या है विशेषण, बहुत सरल प्रश्न है। आदर से आदरणीय बनेगा, बिल्कुल सरल है। कौन सा विकारी है, विकारी कौन सा, क्रिया विशेषण विकारी है क्या, नहीं वो तो अव्यय का भेद है, इसका मतलब वो अविकारी है, विशेषण विकारी है, संबंध बोधक समुच्चय बोधक वो तो अव्यय आ गए वापस, तो इसमें राइट होगा विशेषण। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं, संज्ञा की बताते हैं, सर्वनाम की बताते हैं, कारक की या दोनों की। निश्चित रूप से आप जब परिभाषा पढ़ते हो तो सबसे पहले यही परिभाषा आती है ना, कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। आगे चलते हैं, किस क्रमांक में विशेषण शब्द हैं, नति बलाहक सुषुप्ति पुष्पित। क्लियर है, इत प्रत्यय लगा हुआ है, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको, बाकी शब्दों को इतना गौर करने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा पुष्पित इत प्रत्यय लगा हुआ है, विशेषण है। पशु शब्द का विशेषण क्या होगा, देखो पशुत्व भाववाचक संज्ञा, पशुता भाववाचक संज्ञा, पशुपति एक नाम हो गया तो पार्श्विक, ठीक है, और एक प्रत्यय लगा हुआ है, फिर से ध्यान दीजिएगा, ये छोटी-छोटी ट्रिक्स होती हैं इनके, अगर इनको हम ध्यान में रखें ना तो हम बहुत से क्वेश्चन होते हैं वो आराम से हल कर सकते हैं। घना का विशेषण शब्द क्या होगा, घनाकार उपयुक्त शब्द नहीं है, घनी नहीं, घनयुक्त नहीं, घनघोर, घनघोर घटाएं छाई हुई है, समझ गए बात को। निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द है, बस क्लियर है, देखना ही नहीं है, ये प्रत्यय लगा हुआ है, राष्ट्रीय है ना। अग्नि शब्द का विशेषण आग्नि, ये भी क्लियर है, अग्निकृत वगैरह, आप किसी ने अग्निकृत कर दिया है तो वो गलत है, अग्निवेश अग्निकार नहीं होगा, आग्नि, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, मानवीय संज्ञा से बना हुआ है, नाटकीय संज्ञा से बना हुआ है, वित्तीय संज्ञा से बना हुआ है, स्वकीय संज्ञा से नहीं, सर्वनाम से बना हुआ है, ठीक है, तो इसमें स राइट होगा। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, सिफेन झाग धुमिल लौकिक, तीनों संज्ञा से, प्रथम ये संज्ञा से नहीं बना हुआ है। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, प्रसन्न कटु, ये तो कटु तो आ गया विशेषण, सुंदर विशेषण है, प्रसन्न ये भी विशेषण, सुख सुख से सुखी। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, अब इस प्रश्न में आप देखिए, भय से भयंकर, चलो मान लिया ये तो संज्ञा से बना हुआ है, रुचि से रुचिकर, शुभ और लाभ है ना, इसमें शुभ और लाभ, ये प्रश्न थोड़ा सा क्या है टिपिकल है, तो हो सकता है मैंने भी कोई आंसर जो ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव गलत दे दिया हो या कोई ध्यान में रख करने दिया हो। अब शुभ और लाभ, शुभंकर अगर शुभ संज्ञा है, लाभ, लेकिन देखा जाए तो इसमें क्या है संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, तो ऐसे प्रश्नों पर ज़्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रश्न को आप यूँ मान लीजिए एक बार डिलीट ही कर दीजिए, क्योंकि ऐसे मिलते जुलते शब्दों को मैंने लिखा तो है, मैं आज ग्रुप में डाल दूंगा कि किन शब्दों की ओर आपको विशेष ध्यान देना है, तो एक दो प्रश्न इसमें ऐसे ही हैं। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है, पहुंच गया प्रेरणार्थक क्रिया है, पूर्वकालिक या पूर्वकालिक तो बिल्कुल नहीं होती, प्रेरणार्थक क्या होती है, कुछ चर्चाएं मैं यहीं कर लेता हूं। देखिए ये क्रियाएं जो वाक्य है उसमें हमने कुछ क्रियाएं की नहीं थी, तो आज उन क्रियाओं को बारे में चर्चा कर लेता जो हमने नहीं की। देखो मैं एक ही बोर्ड के अंदर सारी क्रियाएं क्लियर करा दूंगा, ठीक है। मुख्य क्रिया ध्यान से देखना, ये है सहायक क्रिया, ठीक है, ये है संयुक्त क्रिया, ठीक है, इसके बाद है प्रेरणार्थक, ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है, उम्मीद करता हूँ लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा और आप ध्यान भी दीजिए, मैं साथ साथ में बोल भी रहा हूँ, ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है, और एक होता है, एक ये भी लिख लो आप, तात्कालिक, तात्कालिक क्रिया, ठीक है, पूर्वकालिक तात्कालिक, एक असमापिका क्रिया,
ठीक है, पूर्वकालिक, तात्कालिक, असमापिका और नाम धातु क्रिया। ठीक है, नाम धातु वगैरह के बारे में आप बहुत अच्छे वैसे आप परिचित हो। अब मैं फिर भी आपको एक शॉर्ट कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो मेरे ख्याल से बतानी बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक वाक्य लिखा, मैं सिंपल से चलूँगा, राम बाजार जा रहा। देखिए, आपके व्याकरण क्या कहती है और व्याकरण के नियम उलझाने वाले कितने हैं उनसे मैं नहीं जाता, मैं इतना बताऊंगा कि आपको सरल तरीके से कैसे समझ आ जाए। ठीक है, राम बाजार जा रहा है। अब एक बात देखिए, इसमें पूछा गया मुख्य क्रिया कौन सी है, अंडरलाइन यहाँ कर दी। सिंपल सी बात है, ये क्या है, मुख्य क्रिया है। जैसे राजेश बाहर नाच रहा है, क्या क्रिया है, नाच रहा है। इसमें ये क्या है, ये नाचना ये क्या है, मुख्य क्रिया है। वह खाना खा चुका है, इसमें ये क्या है, ये मुख्य क्रियाएं हैं। बस सिंपल सी बात है, वाक्य के अंदर जो मुख्य कार्य हो रहा है वही क्या है, मुख्य क्रिया है। अब ध्यान से, ये क्या पूछ रहे हैं, सहायक। फिल्म में एक तो मुख्य हीरो होता है और एक उसके सहायक के लिए भी हीरो वगैरह के साइड हीरो भी आते हैं। ठीक है, मुख्य क्रिया को छोड़कर वाक्य में जो बाकी उसके साथ उसके सहायक रूप में प्रयुक्त हुआ है वो क्या है, वो सहायक क्रिया है जो काल दर्शाएगा। सहायक क्रिया काल को भी दर्शाएगी। ठीक है, तो ये कैसी हो गई, सहायक। ये कैसी हो गई, सहायक क्रिया हो गई। बात समझ आ रही है, मुख्य क्रिया हमने पहले ढूंढ ली, सहायक क्रिया ढूंढ। अब क्या पूछ रहा है, संयुक्त क्रिया। मुख्य क्रिया प्लस सहायक क्रिया बराबर संयुक्त क्रिया। मैथ का सूत्र लगा दो, मुख्य क्रिया प्लस सहायक क्रिया बराबर संयुक्त क्रिया। दोनों क्रिया पूरी की पूरी क्रिया क्या है, ये संयुक्त क्रिया है, सारी क्रियाएं एक साथ में आ जाएंगी। वह खाना खाकर चल पड़ा। ठीक है, अब खाकर तो वो आ जाएगा, पूर्वकालिक में आ जाएगा, तो वह कूद पड़ा। ठीक है, इस प्रकार से वाक्य आ जाए तो ये क्या हो जाती है, संयुक्त क्रिया की श्रेणी में आ जाती है। बात समझ आई, बस ये मुख्य सहायक संयुक्त का तीन का अंतर है। आगे चलो, प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक में जो समझने का तरीका है, सीधी सी बात याद रख लो कि इसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके क्या करता है, किसी प्रेरणा देकर किसी और से करवाता है। ठीक है, जैसे माँ ने बच्चे से या माँ ने बेटी से, बच्चे से तो क्या बनवाएगी, चाय, वो बच्चे तो बना देंगे चाय। माँ ने बेटी से चाय बनवाई। अब इसमें क्या है, बनवाई, माँ ने स्वयं ने नहीं बनाई, कर्ता कौन है, माँ। माँ ने इसको बेटी को प्रेरणा देकर इससे कार्य करवाया। राजा ने सेनापति से युद्ध, वो क्या बोलते हैं, उदाहरणी सेट नहीं बैठा है ना, दूसरे सरल लेते हैं, मेटाफर लेने के चक्कर में सीधा दे लो। मालिक ने नौकर से दुकान खुलवाई। ठीक है, अध्यापक ने बच्चों से पाठ पढ़वाया। सिंपल सी बात है, इसमें पीछे क्रिया के पीछे वाना लगा होगा, ये आप एक थोड़ा सा विशेष ध्यान दे लोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्रिया के पीछे क्या लगा होगा, वाना लगा होगा, और यही सबसे अच्छी बात है। ठीक है, वाना, चाय बनवाई, दुकान खुलवाई, खोली नहीं है खुलवाई, पाठ पढ़वाया है। ठीक है, दूध पिलाया नहीं पिलवाया है, बर्तन मांजे नहीं मंजवाए हैं। ठीक है, खाना पकाया नहीं पकवाया है। तो इस प्रकार से वाना क्रिया लग जाती है प्रेरणार्थक के अंतर्गत। इसके बाद पूर्वकालिक। पूर्वकालिक क्रिया को सीधी सी बात है, मुख्य क्रिया जो होगी वाक्य में, जो मेन काम होता है उससे ठीक पहले एक काम और होगा और उसकी पहचान है उसमें, जैसे वाना लगा उसमें पहचान। जैसे वह खाना खाकर सो गया। अब इसमें मेन काम क्या हुआ है, इसमें मेन काम तो हुआ सोना, लेकिन उससे पहले उसने क्या किया, खाया। वह दौड़कर आया, तो
तो इसमें आना मेन काम है, लेकिन उससे पहले उसने क्या किया था, उसने वो दौड़ा था, दौड़ कर आया, ठीक है। वह आज फिर पी कर आया है ना, आज फिर पी कर आया, आया तो है लेकिन वो क्या करके आया, पी कर आया आज फिर। तो इसमें मुख्य क्रिया से पहले एक कार्य और होगा, जैसे वह पढ़कर सो गया, फिर से वही बात आ गई। तो इस प्रकार से जो कर लगा होगा, मुख्य क्रिया से पहले एक कार्य और होगा, उसके साथ क्या लगा होगा, कर लगा होगा। तो आप ये भी, ये पूर्वकालिक और तात्कालिक लगभग एक जैसी होती है। इसमें आप यूं मान लो, इसमें कर होता है, इसमें ते ही ये पहचान हो सकती है। वह पढ़ते ही सो गया, ठीक है, ते ही। वह उठते ही गिर गया, वह गिरते ही रोने लगा, ठीक है, वह चलते ही थक गया। इस प्रकार से जब आएगा तो उसमें तात्कालिक क्रिया होगी, जो तत्काल होगी, जैसे ही कार्य करेगा तत्काल क्रियाएं होगी, वो तात्कालिक। ये जब लगभग सेम ही होती है, इसमें कोई ज़्यादा विशेष अंतर नहीं होता, ठीक है। उसके बाद देखो, समापिका क्रिया एक और होती है। समापिका क्रिया वाक्य को समाप्त करने वाली जो होती है, वो समापिका क्रिया होती है, जो वाक्य के अंत में आती है सदैव, और वो वाक्य का समापन करती है, वो समापिका क्रिया कहलाती है। लेकिन असमापिका क्या होती है, वह क्रिया जो वाक्य के अंत में ना आकर प्रारंभ में या मध्य में आकर वाक्य को निरंतर जारी रखती है। जैसे, तो इसकी पहचान सुन लो पहले, हुए, ठीक है। वह जैसे ये लेते हैं पहले शुरुआत वाला, बहता हुआ जल स्वच्छ होता है, ठीक है। जंगल में दौड़ता हुआ हरिण देखा, नाचते हुए मोर सुंदर दिखते हैं, इस प्रकार से। तो ये देखो, नाचते हुए, दौड़ते हुए, बहता हुआ, तो इसकी पहचान क्या हो जाएगी, हुआ। इसमें वाक्य में हुआ, बहता हुआ, खेलता हुआ, खेलते हुए बच्चे बड़े मनमोहक होते हैं, तो हुआ, ये इसकी असमापिका क्रिया की क्या हो जाएगी, पहचान हो जाएगी। और उसके बाद रहती है नाम धातु, जो संज्ञाओं से बनती है ना, संज्ञा से, जैसे संज्ञा से विशेषण से, गर्म है, गर्म से गर्माना, ठीक है। हाथ है, हाथ से हथियाना, ठीक है। और अपना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण तीनों से, अपना से अपनाना, ठीक है। लात से लतियाना, समझ रहे हो बात को। और इस प्रकार से संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बन जाती है, तो आपको पता लग जाएगा वाक्य में कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण से तो बनी हुई क्रिया नहीं है, अगर है तो वहां पे कौन सी क्रिया हो जाएगी, नाम धातु। तो यही, इस प्रकार से कुछ क्रियाएं और भी थी जो हमने उस पिछले वीडियो में नहीं की थी, और मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे कि वो क्रिया अधी अधूरी है, तो इसलिए मैंने आज साथ में ये भी समझा दिया। तो कोई भी अगर छोटी मोटी चीज़ अगर कहीं रह गई है, तो वो टेस्ट पेपर में जब भी मुझे सामने आएगी तो मैं उसी वक्त करवा दूंगा। तो हम पढ़ रहे थे कि वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया शब्द क्या है, तो संयुक्त क्रिया हो जाएगी। कृदंत क्रिया प्रभावित होती है, ठीक है। तो कृदंत क्रिया लिंग और वचन से ही प्रभावित होती है, ठीक है। कृदंत क्रिया में यह समापिका क्रिया वगैरह इसी में आती है। और जिस नाम धातु नहीं बनती है, क्रिया से नहीं बनती, अभी बात हो गई, संज्ञा स्वर्णाम विशेषण तीनों से बनेगी। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, उसे कहते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्रिया। यह है कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा है। कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में विधान करते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। उन्होंने ये परिभाषा दे रखी है क्रिया, तो ये वहां से लिया गया प्रश्न है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? अब इसमें देखिए, बच्चे फिल्म देख रहे हैं, बच्चे क्या देख रहे हैं, फिल्म, सकर्मक है। मनीषा ने कार खरीदी, कार सकर्मक हो गया। रजत दूध पी रहा, तो मोर नाचता है, ये कैसी क्रिया हो जाएगी, ये सकर्मक नहीं, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। किस क्रमांक में प्रेरणार्थक क्रिया है? नृत्य करती है, रमेश सो चुका है, पढ़कर भोजन किया, पूर्वकालिक है, अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई, स्वयं नहीं पढ़ी है, तो प्रेरणार्थक किसमें है, द में। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? देखिए, राम पढ़कर सो गए, ये तो क्या है, पूर्वकालिक है। सिनेमा देखते हैं, ये सकर्मक है। रमेश खा चुका है, फिलहाल ये अकर्मक है। और सीता नृत्य करती है, सीता नृत्य करती है,
तो अब देखिए, देखा जाए तो इसमें कौन सा आंसर राइट होगा? ध्यान से लेना, बहुत अच्छा प्रश्न है वैसे। इसमें बताने वाले कोई किसी को साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूं। राम पढ़कर सो गया, निश्चित रूप से पढ़ना सकर्मक क्रिया होती है सदैव। वो कुछ ना कुछ पढ़कर सोया है, वो राम किताब पढ़कर सो गया, राम अखबार पढ़कर सो गया, इसका मतलब ये सकर्मक के अंतर्गत ही आएगी ऑप्शंस के आधार पर। वरना हो सकता है कहीं ऐसा ऑप्शन आए तो उसमें बाकी तीन प्योर सकर्मक हो तो ये कर्मक में भी शामिल की जा सकती है। हम सिनेमा देखते हैं ये तो क्लियर है। रमेश खा चुका, खाना भी क्रिया सकर्मक होती है, कुछ ना कुछ वो खाया, उसने खाया जरूर। रमेश फल खा चुका है, रमेश बिस्किट खा चुका है। सीता नृत्य करती है, अब आप इस प्रश्न को यूं मत बना लेना कि सीता क्या करती है, उत्तर आ गया नृत्य। अगर उत्तर आए तो मैंने आपको एक तरीका बता रखा है कि उसके साथ को लगाकर चेक कर लेना। सीता नृत्य को करती है, बिल्कुल गलत है। नृत्य करना ये पूरी अपने आप में एक क्रिया है। सीता क्या नृत्य करती है, उत्तर नहीं आएगा इसमें। राइट कौन सा होगा? द राइट होगा, इस बात को विशेष याद रखें। अच्छा प्रश्न है, कन्फ्यूज ना हो, ये उल्टे सीधे, क्योंकि देखिए मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। एक प्रश्न है, ठीक है, निम्न में से कौन सी सकर्मक, मेरे प्रश्न को ध्यान से देखना, निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? ए बी सी, एग्जामिनर पे डिपेंड करता है वो आपसे कौन सा उत्तर निकलवाना चाहता है या कहां आपसे गलती करवाना चाहता है। सकर्मक क्रिया पूछ रहा है, राजेश खा रहा है, मैं सरल सरल वाक्य लूंगा, सीता बाहर पढ़ रही है, सुनील इसमें अपन लिखते हैं, सुनील लिख रहा है, लिखना क्रिया भी सकर्मक होती है। सुनील लिख रही नहीं है भाई, रहा है, लिंग चेंज मत करो, सुनील लिख रहा है। और अब लिखा राजेश, राजेश बार बार नहीं आएगा, एक बार आएगा। माँ खाना पका रही है, अब ये देखो, देखा जाए तो ये चारों सकर्मक क्रियाएं हैं प्रयुक्त, खाना पढ़ना लिखना पकाना, ये चारों सकर्मक क्रियाएं होती है। लेकिन प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है, निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? अब मुझे बताओ आप इसमें ये करोगे, सिंपल से, माँ खाना पका रही है, माँ क्या पका रही है, खाना, इसका मतलब सकर्मक क्रिया कौन सी है, ये, इसका मतलब ये सकर्मक है, इसका मतलब बाकी तीनों फिलहाल के आधार, फिलहाल इस प्रश्न के आधार पर क्या है, अकर्मक है। बात क्लियर हुई, अब आगे ध्यान देना, मैं उलझा नहीं रहा हूं, मैं आपको वो कंफ्यूजन क्लियर कर रहा हूं कि प्रश्न को स्मार्टली हल करें, ठीक है। अब देखिए, अब इस वाक्य को मिटा देते हैं और मैंने डी लिख दिया, राजेश सड़क पर दौड़ रहा है, और वाक्य क्या कर दें, निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया नहीं है, प्रश्न चेंज कर दिया, इस बार नहीं है पूछ लिया। अब ये कह रहा है कौन सी सकर्मक क्रिया नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि राजेश सड़क पर क्या दौड़ रहा है, दौड़ना क्रिया सदैव अकर्मक में आती है, दौड़ना क्रिया सदैव अकर्मक में आती है, इसका मतलब सकर्मक क्रिया ये सकर्मक क्रिया नहीं है, ये सकर्मक क्रिया नहीं, इसका मतलब ये अकर्मक है। तो अब वो वापस तीनों कैसी होगी, सकर्मक होगी, जो पिछले प्रश्न में तीनों अकर्मक थी, इस प्रश्न में तीनों सकर्मक बन जाती है। रीजन, दौड़ना सदैव अकर्मक में आता है, खाना पढ़ना लिखना ये क्या आ जाता है, ये सकर्मक में आ जाता है। तो फिर अब देख लो ये चेंज हो गया, ये तो प्रश्न, अब कोई कह नहीं ऐसे प्रश्न बन ही नहीं सकते, नहीं ना तो कुछ ही नहीं है। SSC के पेपर्स में ये तक पूछ लिया जाता है कि कौन सी हीरोइन की हाइट सबसे ज्यादा है, तो वो क्या प्रश्न पूछने लायक है? तो जब वो प्रश्न पूछने लायक नहीं है, उसका कोई आधार नहीं है, ठीक है, वो कोई जनरल वो GK के अंदर शामिल नहीं होता, तो फिर अगर ऐसा सारहीन प्रश्न पूछ लिया जा सकता है तो ऐसा प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो इसमें ये तो आप अपना ज्ञान ना लगाएं कि ऐसे प्रश्न नहीं पूछे, हाँ आपको नहीं समझना इट्स ओके, कोई दिक्कत बात नहीं है, लेकिन मैं उन विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ जो ऐसे प्रश्नों के लिए भी तैयार है कि हाँ यार बन तो सकता है। प्रश्न बनाने वाले पे डिपेंड करता है कैसे पेपर बनाए, ठीक है। तो ये एक तरीका भी था, अब आगे चलते हैं।
कछुआ धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? इस वाक्य में क्रिया विशेषण हो गया, क्या हो गया? धीरे धीरे, है ना। अरे जरा इधर तो आ, इस वाक्य में कौन सा व्यय है? विस्मयादि बोधक है, चिन्ह लगा हुआ है, तो बात ही खत्म हो गई। उसने आंख फाड़ कर देखा, इस वाक्य में फाड़ कर आते पूर्वकालिक क्रिया है, बात समझ आई। वहां मोहन के डैश 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 कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थान के अलावा कोई नहीं था। ध्यान पूर्वक शब्द है, यह कृतिवाचक क्रिया विशेषण में आता है। आपको ध्यान पूर्वक, वह ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है, तो यह कैसे पढ़ रहा है? ध्यान पूर्वक, ध्यान के साथ पढ़ रहा है। बोलो कोई सुन लेगा, जोर से बोलो कोई सुन लेगा, तो सुन लेगा इसीलिए जोर से बोल रहे हैं, नहीं सुन न ले इसलिए हमें क्या करना है? धीरे बोलना, धीरे बोलो कोई सुन न लेगा। विस्मय के भाव के लिए विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द क्या है? अरे आज तुम भी, अरे आज तुमने भी स्नान कर लिया, आश्चर्य है विस्मय है, उफ हाय आह, है ना, इनमें से छी धिक्कार है तुम्हें। इस वाक्य में छी क्या है? अव्यय है। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ? सीला तो निपात है, तुम भी निपात है, बात अपने तक निपात है, तक निपात है, मैं कल जयपुर गया इसमें नहीं। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में देखो यहां पर ये सफलता मिलने तक, इसमें ये क्या है? संबंध बोधक अव्यय है, विस्मयादि बोधक नहीं है, ये बात भी याद रखना। विस्मयादि बोधक में तो उसे शामिल किया ही नहीं जा सकता, समुच्चय बोधक हो नहीं सकता ये हमें सफलता मिलने तक, है ना, समुच्चय बोधक नहीं हो सकता। और किंतु लेकिन परंतु ताकि मानो अतः फलत है, इसलिए जो वो होते हैं सारे, तो इसमें नहीं हो सकता। और हमने बात भी की थी संबंध बोधक, अगर आपको नोट्स में देखा हो तो बहुत अच्छे से अलग से लिख रखा है, बालक खेल रहे हैं परंतु बालिका, ये समुच्चय बोधक हो गया, परंतु आ गया। तो छत पर मत चढ़ना, वाक्य में मत क्या है? निषेधात्मक है, निषेध कर रहा है किसी कोई कार्य करना, निषेध है, मनाइए, तो निषेधार्थक है, निषेधार्थक। और रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। भिखारी रात भर जागता रहा, भर कौन सा? अब क्या स्वीकार कर रहा है कि रात भर जागता रहा? नहीं, वो बल दे रहा है इस बात पे कि हाँ रात भर जा, पूरी रात जागता रहा। मेरे घर के सामने संबंध बोधक, देखो वह सामने खड़ा है, ये क्या? ये तो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और के सामने खड़ा है, ये हो गया संबंध बोधक। ये मैंने अच्छे से समझाया वीडियो के अंदर, अगर आपने पढ़ा देखा हो तो। उसके सपनों का सौदागर आया है, रेखांकित शब्दों में संज्ञा है सपनों, जातिवाचक हो गई, बहुवचन में आ गई ना। सेना संज्ञा है समूहवाचक, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है बचपन। निम्न से द्रव्यवाचक संज्ञा है आटा, क्योंकि बाकी तीनों दो तो समूहवाचक है सभा और गुच्छा। और मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा है। मैं आप चला जाऊंगा निजवाचक सर्वनाम है। मैंने आपसे कहा था कि वह बीमार नहीं है, रेखांकित शब्द में सर्वनाम क्या है? आपसे, मैंने आपसे कहा। मैं उत्तम पुरुष, तुम मध्यम, यानी आप मध्यम पुरुष हो, ठीक है। उन्हें कुछ देकर विदा कर दो, कुछ कुछ क्या दें भाई, उन्हें क्या दें? कुछ अनिश्चयवाचक है, है ना। मेरे पास तुम्हारे से दुगुना धन है, रेखांकित शब्द में निश्चय संख्यावाचक। मेरे पास तुम्हारे से दुगुना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, दुगुना आवृत्ति, एक गुना, दो गुना, तीन गुना, चार गुना आवृत्ति हो रही है। यह लड़का बहुत होशियार है, संज्ञा के तुरंत पहले सर्वनाम आकर संज्ञा की विशेषता बताए तो वहां पर कौन सा होता है? वहां पर होता है सार्वनामिक विशेषण। वह पेड़ से कूद पड़ा, वह पेड़ से कूद पड़ा, कूदना क्रिया, पड़ा तो यहां पे कौन सी क्रिया हो जाएगी? क्या पूर्वकालिक? पेड़ से कूद पड़ा, ठीक है, तो कूद पड़ा पूर्वकालिक हो जाएगी, नाम धातु हो जाएगी, प्रेरणार्थक हो जाएगी, संयुक्त। देखिए हिसाब से तो इसमें होती है संयुक्त क्रिया, ठीक है, और बेहिसाब से करोगे तो संयुक्त क्रिया ही होती है, बाकी दूसरी होती नहीं है। पुलिस चोर का, फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना। पुलिस चोर का लतियाते हुए थाने से ले गई, लात, लात से लतियाना, तो ये कौन सी हो गई? नाम धातु। शिक्षक छात्र से पाठ पढ़वाता है, प्रेरणार्थक, पढ़वाता। प्रश्न देखते ही उत्तर याद आ जाना चाहिए, तब होता है आनंद, है ना। राम श्याम से अच्छा है, से अच्छा, एक से अच्छा है उत्तरावस्था, सबसे अच्छा है तो उत्तम अवस्था। आज भी देश में लाखों लोग, अब लाखों कितने, कितने लाख हैं वो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। लाखों लोग भूखमरी के शिकार, रेखांकित शब्द में विशेषण है अनिश्चय संख्यावाचक। निम्न में से शब्दकोश में सबसे पहले लिखा जाने वाला शब्द क्या होगा? अब शब्दकोश में जब आप लिखते हो, हालांकि आपके टॉपिक नहीं है, शब्दकोश में जब लिखते हो तो सबसे पहले आता है ये, फिर आता है ये,
फिर आता है ये, है ना। फिर चलते हैं हम इस तरह से। तो अगर किसी शब्द के ऊपर अगर अनुस्वार है तो ये सबसे पहले आएगा, फिर ये आता है, फिर विसर्ग आता है, फिर आगे जो क्रम होता है। अब जैसे क, क के बाद आता है श, फिर आता है ख, समझ गए बात को। जैसे और चलो, तो पूरी 12 खड़ी है, मैं आपको ग्रुप में ही डाल दूंगा, साथ में आप समझ भी जाओगे। तो इसमें हो जाएगा कंचन, फिर 61 में हो जाएगा अ ऑप्शन, 62 में भी अ हो जाएगा, कृपा वगैरह, है ना। और उसके बाद आ जाएगा महत्व, शब्द में कुल संख्या कितनी है वर्णों की। तो जब आप महत्व को तोड़ोगे तो 7 होंगे, लेकिन लेकिन याद रखना अंत में जब अ आता है तो काउंट नहीं होता है। अंत में कोई शब्द को टुकड़े करने पर जो अंत में अ आता है वो काउंट नहीं होता है। तो इसमें 6 है, कुल संख्या कितनी होती है, 6 होती है। निम्नलिखित शब्दों में से शब्द कोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा, मिथ्याचार। किस शब्द में सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक बाहर कोई राम बुला रहा है, कोई राम सार्वनामिक विशेषण, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है और राम के आगे आया है, भाई कोई राम नाम का व्यक्ति है वो आपको बुला रहा है, तो बाहर कोई राम आया है, इसमें अनिश्चयवाचक सॉरी सार्वनाम विशेषण कोई शब्द में। तो ये आपके 65 क्वेश्चन है। अगर बाई चांस कोई एक आध प्रश्न कोई गलती रह भी गई हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आपसे एक निवेदन है, जो चीज़ ग्रुप में एक बार डाल दी जाती है उसी चीज़ को बार बार ना पूछे, या तो उस ग्रुप के अंदर अच्छे से मैसेज को पढ़ लें, उसी चीज़ को बार बार, भाषा के बारे में क्लियर ग्रुप में डाल दिया गया है, फिर भी बार बार पर्सनल मैसेज आते हैं, संस्कृत लूँ या इंग्लिश लूँ, इंग्लिश लूँ या हिंदी लूँ। तो आपको जब बता दिया कि जो सब्जेक्ट अगर आप भाषा के टीचर बनना चाहते हो तो आपको वो, मान लो आप संस्कृत की भाषा के बनना चाहते हो, इंग्लिश के या हिंदी के, किसी भी भाषा के आप विषय अध्यापक बनना चाहते हो, तो वो सब्जेक्ट आपके बीए में होना चाहिए पहली बार, और जो बीए में है वही लैंग्वेज आप जो फर्स्ट लीजिए। कहने का तात्पर्य है जिस भाषा के आप विषय अध्यापक बनना चाहते हो वो बीए में तो होना ही चाहिए, और वही लैंग्वेज फर्स्ट होनी चाहिए, वही लैंग्वेज फर्स्ट होनी चाहिए, इस बात को आप विशेष ध्यान रखो। और सेकंड आप संस्कृत दो, इंग्लिश लो, वो मुझे पूछ के क्या करो, बताओ। किसी को इंग्लिश अच्छी लगती है, किसी को संस्कृत लगे, वो आप अपने अनुसार लीजिए, जो आपको लगता है कि मैं इसमें स्कोर ज़्यादा कर सकता हूँ, सकती हूँ, तो वो लीजिए, उसमें पूछना क्या बात। बीए एडिशनल इंग्लिश में कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में संस्कृत है, मैं फर्स्ट संस्कृत लेना चाहता हूँ, तो फिर एडिशनल इंग्लिश का क्या मतलब है। जब आप संस्कृत फर्स्ट लैंग्वेज ले रहे हो तो एडिशनल, ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आप खुद कंफ्यूज हो रहे हो अभी तक और सामने वाले को भी कर रहे हो, ये क्या तरीका हुआ आपका। अभी तक आप इस बात पे उलझे हो कि मैं लैंग्वेज फर्स्ट लूँ या सेकंड लूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, फिर तैयारी कब करोगे आप, तैयारी कब करोगे, ये भी तो क्लियर कर लीजिए पहले। लोगों ने सिलेबस को दो दो तीन तीन बार रिविज़न कर लिया है और आप अब तक भाषाओं के चक्कर में उलझे हुए हो, अभी तक गाइड्स का पूछ रहे हो, तो फिर तैयारी कब करोगे महानुभावों। आपको हो सकता है मेरी बातें बुरी लगी हो, लेकिन मैं बोलता स्पष्ट हूँ, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, ये तो क्लियर सी बात है। अब तक गाइड्स के बारे में पूछ रहे हैं, जबकि कुछ मैसेज आते हैं, सर ये गाइड मैंने 2-3 बार पढ़ ली, ये किताब मैंने 3 बार पढ़ ली, वो तो है कंपटीशन में, और आप लोग कंपटीशन में फिर आप कहोगे मनोबल गिरा रहे, मनोबल क्या गिरा रहे हो, अभी तक आपने पढ़ाई भी स्टार्ट नहीं की। आप ये समझते हो कि नहीं बस ये ग्रुप ज्वाइन कर लिया, वो ज्वाइन कर लिया, ये आपने जितनों ने ज्वाइन कर लिया उसमें मुझे लग रहा है कि सेटिस्फाइड है, हाँ चलो संस्कृत पढ़ना है तो कोई संस्कृत का बढ़िया ग्रुप ज्वाइन कर लिया, कोई सोशल स्टडी का ज्वाइन कर लिया, 50-50 ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो रहे हो, नोट्स के पीछे भाग रहे हो, और जो आपको मिल रहा है उसमें देख नहीं रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस तरह से आपका कौन सा सिलेक्शन हो जाएगा ढंग से। अभी तक भी समय पड़ा है, पूरी फरवरी, मार्च और अप्रैल देखा जाए तो अभी तक 3 महीने आपके हाथों में हैं, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, 3 महीने, वैसे 3 महीने तो हैं, प्योर 3 महीने आपके हाथों में, बहुत होते हैं सिलेक्शन के लिए। अभी तक भी जाग जाओ महानुभाव, तो सिलेक्शन हो जाएगा, वरना बैठे रह जाओगे, और जब बधाई संदेश चलेंगे ना फेसबुक व्हाट्सएप पर, तब ऐसा कोई किसी की आंखों में आंसू आएगा और कोई किसी तरह निराश होगा, दुखी होगा, कोई पढ़ाई छोड़ेगा, कोई कुछ करेगा, कोई किस्मत को दोष देगा, कोई माँ बाप को दोष देगा, कोई किसी को दोष देगा, जबकि 3 महीने में पढ़ाई हमने खुद ने नहीं की, सीधी सी बात है। बाकी आगे भी अब समास और संधि की वीडियो अब देखते हैं, कल तक रिकॉर्ड हो जाते हैं तो वो भी डाल दूंगा।
ठीक है। अब रही बात, आपको वीडियो आप रेगुलर नहीं डालते तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, जितना समय मिलता है मैं उतना ही आपको समय दे पाता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे पास समय भी नहीं है, स्कूलें खुल गई तो काम ज़्यादा रहता है, जितना समय मिलेगा आपको ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।